हाय कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स, दिस इज कविता। सो अगर आप भी एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं और बहुत जल्द आप अपना एसएसबी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगा कि डे वन में जो टेस्ट होते हैं उनमें किस तरह से आपको अपना अप्रोच रखना चाहिए। यूजुअली जो कैंडिडेट्स हैं उनसे ऐसी क्या गलती हो जाती है जिसकी वजह से वो स्क्रीन इन नहीं हो पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कई बार अपना अटेम्प्ट दे चुके हैं लेकिन अभी भी वो सक्सेस नहीं हासिल कर पाए हैं डे वन को लेकर, यानी अपने स्क्रीनिंग प्रोसेस को लेकर। सो ये वीडियो, ये सेशन जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके एसएसबी इंटरव्यू की डेट्स आ चुकी हैं और आप बहुत जल्द अपना एसएसबी इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं। तो यूजुअली बहुत कॉमन है, हम सब जानते हैं स्टेज वन में कि पीपीडीटी टेस्ट क्या होता है, जीडी टेस्ट क्या होता है, ओआईआर ओएलक्यू टेस्ट क्या होता है। इस सेशन में हम जानेंगे हर एक टेस्ट का सिलेबस, हर एक टेस्ट को हम कैसे बहुत अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं ताकि हमारा सिलेक्शन के चांसेस जो है वो मैक्सिमम हो जाए, और साथ ही जितने भी डाउट्स एंड क्वेरीज होते हैं या आपने जिन भी कैंडिडेट से सुना होगा ओआईआर की इंपॉर्टेंस, ओएलक्यू की इंपॉर्टेंस, पीपीडीटी की इंपॉर्टेंस, इनकी मार्किंग कैसी होती है, ये सब यानी एक कंप्लीट पैकेज जो है डे वन का, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं डे वन एसएसबी के बारे में बात करूं तो डे वन आपको जो रिपोर्टिंग सेंटर पे जब आप पहुंचते हैं तो यहाँ पे आपके होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए विद पिक्चर्स मैंने ऑलरेडी एक ब्रीफ सेशन बना के रखा हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी जरूर शेयर कर दूंगी, या फिर आप वैसे भी यूट्यूब गवर्नमेंट चैनल क्रैकर्स को सर्च आउट करके एसएसबी डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है आप जाते हैं अपने फर्स्ट स्टेज की तरफ जो कि होता है ओआईआर एंड ओएलक्यू टेस्ट। तो आप सभी कैंडिडेट्स को एक बड़े से हॉल में बिठाया जाता है जहां पे दोनों टेस्ट की ब्रीफिंग आपको बताई जाती है कि स्टेज वन में किस तरह से आपकी टेस्टिंग होगी, किस तरह से आपका पूरा का पूरा स्टेज वन का प्रोसीजर चलने वाला है। तो अब डिटेल में डिस्कस करेंगे ओआईआर एंड ओएलक्यू टेस्ट। सो देयर विल बी वन ऑफिसर जो आपको सारी डिटेल्स वैसे ही सिलेक्शन सेंटर पे बता देगा, बट जब भी हम किसी एग्जामिनेशन या किसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली हम उसके बारे में पहले से तैयारी करके जाते हैं, पहले से पढ़ के जाते हैं। सो आप यहाँ पे ओआईआर ओएलक्यू के सिलेबस को जानेंगे, कैसे हम अपना ओआईआर ओएलक्यू अच्छा कर सकते हैं, और जितने भी हमने डाउट्स या क्वेरीज ओआईआर ओएलक्यू टेस्ट से रिलेटेड सुनी होंगी वो इस सेशन में आपके जरूर क्लियर हो जाएंगे। तो ये रहा आपका ओआईआर ओएलक्यू टेस्ट। ये दो डिफरेंट टेस्ट हैं, ओआईआर एंड ओएलक्यू, जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट आपके होते हैं, ठीक है। ये दोनों टेस्ट 15 से 17 मिनट के होते हैं और इसमें आपको सॉल्व करने के लिए मिलते हैं 50 क्वेश्चन। ये दोनों टेस्ट में ये कॉमन है। वर्बल टेस्ट में अगर मैं बात करूं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें आपके फिगर्स, एनालॉगीज, फिगर मैट्रिक्स, लोकेटिंग हिडन फिगर्स, ऑड वन आउट, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, पेपर कटिंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम ऑन क्यूब्स, डाइस, पैटर्न्स एंड स्पेशल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। वहीं अगर मैं नॉन वर्बल की बात करूं तो नॉन वर्बल में जैसे आपका सीरीज रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो अल्फाबेट सीरीज हो या न्यूमेरिकल सीरीज हो, दोनों ही पॉसिबल है। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, टॉलर एंड शॉर्टर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वेन डायग्राम के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जंबल्ड वर्ड्स हो सकते हैं, जंबल्ड सेंटेंसेस भी हो सकते हैं एट टाइम्स, कोडिंग डिकोडिंग होती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, रैंक को लेके प्रॉब्लम्स हो सकती है, इंटरचेंजिंग ऑफ दो साइंस यानी आपका प्लस माइनस इनको इंटरचेंज करके जो प्रॉब्लम होती है इस तरह से क्रिएशन हो सकता है मैथमेटिकल इक्वेशन का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेटर्स एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्लीट टेस्ट। तो इसमें जो मार्किंग होती है डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह से अपने इन 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं इसमें आपकी मार्किंग होती है। अगर आपका ओआईआर 1 आता है तो दैट इज आउटस्टैंडिंग विच इज 40 प्लस मार्क्स, ओआईआर 2 इज एक्सेलेंट, 3 इज अबव एवरेज, 4th इज एवरेज, 5 इज बिलो एवरेज। तो हियर आपको ये कोशिश करनी है कि आप एटलीस्ट अपना ओआईआर 1 जरूर लेके आए, अगर 1 नहीं तो ओआईआर 1 से 2 के रेशियो के बीच में रहना है। इन केस अगर आपका OIR 2 आता है तो सारा जो वजन है बेसिकली सारा जो अप्रोच और आपको जो 100% डेडिकेशन देना होगा वो देना होगा आपको अपने पीपीडीटी एंड जीडी पे, ठीक है। तो
बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये लगता है कि OIR की कोई अपनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, मेरिट में नहीं जुड़ता है, OIR चेक भी नहीं होते हैं. बहुत सारे मिथ्स आपने सुनोगे, बहुत कुछ अवेलेबल है आपके फ्रेंड्स के थ्रू, आप सोशल मीडिया पे देखो. बट अगर मैं बात बताऊं, OIR की अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है एंड ये मेजर फैक्टर प्ले करता है आपके स्क्रीनिंग प्रोसेस में. मेक श्योर आपका जो अप्रोच हो, आपकी जो प्रिपरेशन हो, उसमें आप OIR 1 से लेके OIR 2 के बीच में ही फॉल करें, यानी आउटस्टैंडिंग एंड एक्सीलेंट में होना है. क्योंकि यहाँ पे जब स्क्रीनिंग के लिए कैंडिडेट्स आते हैं, तब आप देखते हैं कि मोर देन 350, 300+ के आसपास कैंडिडेट्स आते हैं, जिसमें से जो सिलेक्शन रेशियो होता है वो ऑलमोस्ट 20 to 25 कैंडिडेट्स मैक्सिमम जाता है. ठीक है, गर्ल्स के केस में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, बट बॉयज के केस में इट रिमेन्स वेरी लो. मैं आपको ये बता रही हूँ कि स्क्रीनिंग, दैट इज वाई इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए. और 100 का आपको अपना 200% यहाँ पे बेस्ट परफॉर्म करना देना चाहिए, और गलती की तो कोई भी गुंजाइश यहाँ पे नहीं रखनी चाहिए. आपको इतने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी होती है, बिकॉज यहाँ आपको सेकेंड्स एंड मिनट्स में अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को प्रूव करने के लिए. ठीक है, चाहे वो आपके टेस्ट की बात हो, PPDT की बात हो, या GD की बात हो. अब मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ कि किस तरह के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वर्बल नॉन वर्बल दोनों. जैसे मैंने बोला फिगर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये देखिए एक डाइस रिलेटेड क्वेश्चन है. इसी तरह फिगर्स आ जाएंगे, जहां पे आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करके बताना है कि नेक्स्ट फिगर में क्या पैटर्न आएगा. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे. ये डाइस रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, जिसमें आपको सेट्स बताने हैं. उसके बाद यहाँ पे आप देखिए स्मॉलेस्ट नंबर को अरेंज करना है. यहाँ पे ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया. अगेन ये पैटर्न सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आया है. यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है, उसका लास्ट डिजिट. कुछ आपको सेंटेंसेस के फॉर्म में बेसिक वर्बल क्वेश्चंस जिस तरह से आते हैं, जैसे मिल्की वे इज अ गैलेक्सी फ्रॉम विच वी गेट मिल्क पेनेट रेन्स, तो वेदर इट इज ट्रू फॉल्स, ये बेसिक आपका एप्टीट्यूड है. ठीक है, कि क्या आपको मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है उसके बारे में जानकारी है या नहीं. तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. तो अगर मैं बात करूं कि OIR किस तरह का आता है, तो यूजली जो आपको नॉन वर्बल या वर्बल या जिसे हम कहते हैं रीजनिंग, रीजनिंग की प्रिपरेशन नहीं है ये. रीजनिंग का सिलेबस इज टोटली डिफरेंट. ये बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें आपका जनरल लेवल से लेके, जनरल एप्टीट्यूड से लेके कुछ आपके लॉजिकल थिंकिंग सॉल्यूशंस को चेक किया जाता है कि वेदर आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से है. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन के मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे. इसी तरह के और क्वेश्चन आते हैं, जैसे डिक्शनरी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं. सो जहाँ पे बेसिक आपका एप्टीट्यूड चेक होता है, अब आप अपने PPDT, OIR, OLQ को अच्छे से कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं. कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप अपने आप को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने आप को कंफर्टेबल करें विद ऑल द राइटिंग मटेरियल्स, एंड अपने कंफर्टेबल होकर आराम से बैठिए. जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स अंडर स्ट्रेस बैठते हैं, डोंट डू दैट. स्ट्रेस में तो बिल्कुल भी मत बैठे. जहां पे आपने ऐसे किया वहां पे आपका OIR OLQ तुरंत गलत जाएगा. ठीक है, किसी ने कुछ भी बोला हो, जब आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर जा रहे हो, बी वेरी कंफर्टेबल, बी वेरी काम एंड कंपोजर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब भी आपका ब्रीफिंग ऑफिस सर आपको टेस्ट में ब्रीफ कर रहा हो, उसकी सारी बातें जब आप ध्यान से सुनेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका फोकस वहां पे हो जाएगा, एंड जितने भी डिसरेस्पेक्टिव, जो डिस्ट्रक्टिंग थॉट्स हैं बेसिकली, जो आपको इधर उधर डाइवर्ट करेंगे, वो यहां से खत्म हो जाएंगे. नेक्स्ट इज, जब ऑफिसर आपको ब्रीफ करेगा, तो वो आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट एंड आंसर बोर्ड पे भी बताएगा, यानी जो प्रोजेक्टिंग स्क्रीन होगी वहां पे एक आपको सैंपल एग्जाम्पल भी दिखाया जाएगा कि किस तरह से आपको अपना टेस्ट सॉल्व करना है जब एक्चुअल टेस्ट स्टार्ट होगा. तो जिन कैंडिडेट्स को और भी डाउट्स हैं, वो भी वहां पे जाके क्लियर हो जाएंगे. तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं बताया जाएगा, आपको वहां पे अच्छे से ब्रीफ किया जाएगा. जब आप अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आ गई जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, जो आपको पता नहीं चल रहा है, सो द बेस्ट पार्ट इज कि स्किप करिए क्वेश्चंस को, एंड एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम मत दीजिए. बिकॉज उस ऐसा होता है कि टाइम खत्म हो जाता है, कैंडिडेट्स को बाद के क्वेश्चंस आते हैं बट वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते. सो ज्यादा एक क्वेश्चन के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, बिकॉज इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, उतनी ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कि आप जो है हायर स्कोर करेंगे, एंड रैंक 1 एंड रैंक 2, विच इज आउटस्टैंडिंग एंड एक्सीलेंट OIR रैंकिंग में आप स्टैंड आउट करेंगे.
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप बिना प्रैक्टिस किए जाएंगे और आपको लगता है कि आप ओ आई आर ओ एल क्यू टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, सो इट इज वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट मिथ जो कैंडिडेट्स को लगता है कि हमारी रीजनिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है या बेसिक रीजनिंग को क्वेश्चन आएंगे हम तो सॉल्व कर देंगे. ट्रस्ट मी गाइज, जब हम अंडर प्रेशर बैठते हैं ना वहां पे एग्जामिनेशन में एंड जब इतने सारे कैंडिडेट्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं, ईजी ईजी क्वेश्चन भी हम गलत करके आते हैं और हमें लगता है हमने ओ आई आर अपना बहुत अच्छा किया है, बट एक्चुअली मैक्सिमम मिस्टेक्स आपकी ओ आई आर टेस्ट में निकलती हैं. सो यहाँ पे एक तो ओवर कॉन्फिडेंट का फैक्टर आ जाता है, प्लस जब टाइम का प्रेशर होता है तो ऑटोमेटिकली गलत चीजें भी सही हो जाती हैं. सो इसीलिए आपको विद टाइम जो है प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पीपीडीटी एंड जीडी पे. नाउ पीपीडीटी एंड जीडी में अगेन क्या होगा, ब्रीफिंग ऑफिसर आपको ब्रीफ करेगा दोबारा जब आपको सेटल डाउन करेगा एंड स्क्रीन पे आपको सारे इंस्ट्रक्शंस भी डिस्प्ले होते रहेंगे. तो स्क्रीन पे बेसिकली इस तरह की एक शीट आएगी जिससे वो आपको एक्सप्लेन करेगा. इस स्क्रीन में आपको फोकस करना है अपने कैरेक्टर्स के ऊपर, यानी एम से मेल, P is neutral and F से female, उनकी एज ग्रुप्स लिखना है एंड उनका मूड लिखना है. साथ ही आपको लिखना है आपकी स्टोरी का एक्शन क्या है एंड आपकी स्टोरी को मिनिमम 100 से 120 वर्ड्स में जो है इसे डिस्क्राइब करना है. अब आपकी स्टोरी होगी तीन चीजों के बीच में कि बेसिकली इसमें पहले क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि ये प्रेजेंट सिचुएशन आई, अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होगा. ठीक है, अब पिक्चर जो होती है दैट इज बहुत ही हेजी होती है, वेरी हेजी पिक्चर आपको डिस्प्ले होती है. तो किसी को कुछ ऑब्जर्व हो सकता है, किसी को कुछ परसीव हो सकता है, तो इसमें गलत सही जैसी कोई चीज नहीं होती. बट फोकस आपको ये करना होता है कि आपको हमेशा फोकस आपको यहाँ पे ये करना होता है कि आपको अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड एंड इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पे फोकस करना होता है एंड किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को अपना हीरो बनाना होता है एंड देन यू नीड टू स्टार्ट योर स्टोरी. ठीक है, तो टिप्स पीपीडीटी के लिए अगर मैं बोलूं तो जब भी आपका ब्रीफिंग ऑफिसर आपको ब्रीफ कर रहा होता है तो उसके इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुने. एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स ये मिस्टेक करते हैं कि हम पहले से बनी बनाई स्टोरीज लेके जाते हैं या बुक्स में से पढ़ के स्टोरीज लेके जाते हैं एंड दे राइट द सेम थिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ मैचिंग पिक्चर. कई बार ऐसे हुए हैं, यानी जबरदस्ती पिक्चर में आपने स्टोरी पेस्ट करने की कोशिश की है. डोंट राइट दैट. जैसे ही आप, क्योंकि दीज ऑफिसर्स आर असेसिंग द स्टूडेंट्स विद मोर देन 15+ 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो जैसे ही आप किसी भी बुक की स्टोरी बोलते हैं उन्हें पता चल जाता है दैट इट इज अ प्री कंसीव्ड स्टोरी एंड इसीलिए कैंडिडेट्स को लगता है कि हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट क्यों नहीं हुआ. तो जब तक आप रियल लॉजिकल अप्रोचेबल नहीं रहेंगे तब तक आप स्क्रीनिंग नहीं हो सकते, अगर आप प्री कंसीव स्टोरीज लेके जाएंगे तो. दूसरी गलती आप ये करते हैं कि इम्प्रैक्टिकल स्टोरीज लिखते हैं. इम्प्रैक्टिकल स्टोरीज से मतलब है जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, लाइक मेरे सामने भी जब मैं बैच में गई थी तो मेरे सामने भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने यू नो ब्रिजेस बना दिए, सी के ऊपर ब्रिजेस बना दिए, देन यहाँ से स्काई तक ब्रिजेस बना दिए. तो इस तरह की इम्प्रैक्टिकल इलॉजिकल स्टोरीज अगर आप बोलते हैं तो डोंट एक्सपेक्ट दैट यू विल बी गेटिंग स्क्रीन्ड इन. तो आपकी सारी लॉजिकल नेचर बेस्ड होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए एंड वो आप कर सके ऐसी होनी चाहिए, आपके अप्रोच के भी बाहर नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट इज, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम पॉजिटिव स्टोरीज लिखेंगे तो हम रिकमेंड हो जाएंगे. ऐसा नहीं है. अगर आपको नेगेटिव पिक्चर दिखाई जाती है तो आपको स्टोरी उस तरह से नेगेटिव वे में स्टार्ट करनी होती है, बट डेफिनेटली आप उसका आउटकम पॉजिटिव कर सकते हैं. ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स, मैंने बोला ना कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते रहते हैं, प्लस मेरे बैचेस में भी यही मिथ क्योंकि चलता रहा है, तो स्टोरी कंप्लीट नेगेटिव है, पिक्चर कंप्लीट नेगेटिव है, बट स्टिल उसको यू नो बता दिया गया कि एनिवर्सरी मनाई जा रही है, बर्थडे मनाया जा रहा है, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन हो रहा है. सो दिस इज रॉन्ग. वहां पे आपका परसेप्शन गलत हो गया. इसका मतलब ये है कि अगेन आपकी ये अपनी थिंकिंग नहीं है, आपकी ये अपनी रियलिटी नहीं है. सो ये जो पर्पज है नेगेटिव स्टोरी का, ये एसेसर्स चेक करना चाहते हैं आपके नेगेटिव ट्रेट में, दैट व्हेन यू आर नेगेटिव उस केस में, उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी. जब भी आप अपनी स्टोरी लिखें एक डिसेंट मैनर में लिखना चाहिए कि स्टोरी जैसे लगना चाहिए. ठीक है, एक एक स्टेप वाइज होता है, ऐसा नहीं कि पहले आपने कुछ और लिख दिया फिर आप यू नो स्टार्टिंग ऑफ स्टोरी लेके आ रहे हैं फिर मिडिल वाला पॉइंट नीचे लेके आ रहे हैं. इस तरह से कोई नहीं करना है आपको. अपनी स्टोरी जो है वो लॉजिकल वे में, एक लॉजिकल ऑर्डर में
रखनी है ताकि वो कंप्लीट एक अच्छी सी स्टोरी सीक्वेंस में लगे। नेक्स्ट इज, वैसे भी जब आप अपने थॉट्स एंड आइडियाज को पुटअप करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ना अपनी पीपीटी शीट को बहुत ही नीट अनटाइडी कर देते हैं। डोंट डू दैट। जितना ज्यादा आप नीट एंड क्लीन रहेंगे ना, वो भी एक अच्छा रिप्रेजेंट करता है आपकी साइकोलॉजी के बारे में। ये बहुत कम लोग जानते हैं, आपकी राइटिंग, आपका नीटनेस, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, इट ऑल्सो डिपिक्ट्स अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड ट्रेट्स कि यस, आपके थॉट्स क्लियर हैं, आपका विजन क्लियर है एंड आपको टोटल आइडिया है, आपको पता है कि व्हाट डिसीजंस यू नीड टू मेक। तो इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच मोस्ट ऑफ अस एक्चुअली डिनाई। नेक्स्ट एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं आपके असेसर से, यानी जब बोल दिया जाए कि स्टोरी अब आपको स्टार्ट करनी है, स्टोरी आपको एंड करनी है, तो ऑलवेज लिसन देम, नेवर एवर यू नो राइट प्री कंज्यूम स्टोरीज जैसे मैंने बताया। और कोचिंग अगर आपने ली है या कहीं से आपने यू नो अपने किसी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स का या फ्रेंड का या सीनियर का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो उस एक्सपीरियंस को अपने ऊपर रिलाय मत करिए, बिकॉज आपके साथ सिचुएशन डिफरेंट होगी, आपका अपना विजन डिफरेंट है, आपका अपना बैकग्राउंड डिफरेंट है, आपके अपने थॉट्स डिफरेंट होंगे। सो डज नॉट मैटर कि आपके ग्रुप में स्क्रीनिंग कैंडिडेट बैठा है, कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट बैठा है या रिकमेंडेड कैंडिडेट बैठा है या कोई ट्रेन कैंडिडेट कोचिंग लेके बैठा हुआ है, डज नॉट। अगर आपने अपनी सेल्फ प्रिपरेशन अच्छी की है और अगर आपने अपना बेस्ट दिया है, तो यू विल डेफिनेटली गेट स्क्रीन इन, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आपके बैच में कोई रिकमेंडेड है, किसी ने कोचिंग ली है, किसी ने कुछ भी किया हो, ठीक है। अगर आप एक राइट गाइडेंस लेके जाएंगे, अच्छे से अपना परफॉर्म करेंगे, अपना 100% देंगे, तो irrespective of 20, 30, 40 कितने स्क्रीनिंग हो रहे हैं, आप जरूर रिकमेंड होंगे। ये ऐसा लगता है कि वहां पे यू नो सिर्फ 20 कैंडिडेट्स रिकमेंड होते हैं, 25 कैंडिडेट्स रिकमेंड होते हैं, ट्रस्ट मी, अगर आपने अच्छा किया है तो irrespective of the number, आप जरूर रिकमेंड होंगे, स्क्रीन वन क्लियर कर लेंगे आराम से, ठीक है। अब जब आपकी पीपीटी हो जाती है, आ जाते हैं ग्रुप डिस्कशन एंड नारेशन पे, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन एंड नारेशन पे जब आपके असेसिंग ऑफिसर्स आपके सामने बैठते हैं, तो यूजुअली आपको इस तरह के सेमी सर्कल में ग्रुप में बिठाया जाता है। इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, द वे यू स्पीक विदाउट स्टैमरिंग एंड स्टर्टरिंग। तो बेसिकली इसमें चेक किया जाता है कि आप कितने अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, एंड फॉर दिस यू एक्चुअली रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज अगर आप खुद ट्राई करेंगे बोलने के लिए, आप शीशे में खड़े होकर बोलिए, एक मिनट तक कोशिश करके बोलिए, आप देखिए आप उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आप जो है वो स्टैमर करेंगे या यू विल बी बैबलिंग, बेसिकली आप फंबल करेंगे, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। वी ऑल नो, जिनकी इवन कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होती है, उनको भी लगता है कि हम एक मिनट तक बिना स्टैमर किए या बिना जो है वो फंबल के बोल सकते हैं, बट एक्चुअली जब आप बोलने आते हैं और जब इस तरह का प्रेशर होता है, जब आप दूसरों की स्टोरी सुनते हैं उसके बाद आपको अपनी स्टोरी नारेट करनी होती है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट साइकोलॉजिकली ऑल्सो, एंड हियर बहुत सारे कैंडिडेट्स अपनी स्टोरी भूल जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं एंड फंबल करते हैं। द मोमेंट यू फंबल यू आर आउट ऑफ द कंप्लीट प्रोसेस, बिकॉज जैसे मैंने बोला कॉम्पिटिशन इज रियली वेरी हाई। नेक्स्ट इज जब इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको किस तरह से अपनी स्टोरी नारेट करनी, क्योंकि हर एसेसर का अपना परसेप्शन अपना व्यू होता है, तो वो जो इंस्ट्रक्शंस आपको देते हैं कि आपको अपनी स्टोरी किस तरह से नैरेट करनी है, अगर वो कहते हैं आपको विश करके स्टार्ट करनी है, विश करके स्टार्ट करिए, अगर वो बोलते हैं आपको डायरेक्टली अपनी स्टोरी नैरेट करनी है, तो डायरेक्टली स्टोरी नैरेट करिए, अगर वो कहते हैं कि मेंशन करिए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, उनका एज, मूड, जेंडर, तब आपको वो मेंशन करना होता है। सो लिसन देयर इंस्ट्रक्शंस वेरी 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 केयरफुली, ठीक है। ऑल्सो क्योंकि आपके पास सिर्फ एक मिनट होता है, तो कभी कभी जितनी बड़ी हम स्टोरी लिखते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू नैरेट ऑल दैट स्टोरी, तो कोशिश करिए कि उस स्टोरी में से भी और उसको क्रिस्प करिए एंड टू द पॉइंट, मेजर पॉइंट्स आप अपनी स्टोरी बोलिए, सो दैट आपका वो एक मिनट में स्टोरी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। एंड अगर
आपको टाइम बढ़ा दिया जाता है आपका टाइम या आपका टाइम कम कर दिया जाता है, तो इट डज नॉट मीन कि आपकी स्टोरी जो है इंटरेस्टिंग नहीं है या ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द टाइम, द करंट सिचुएशन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू इज फॉर विदाउट फंबलिंग एंड राइटिंग अ गुड स्टोरी विद गुड थॉट, आपका ओन विजन, आपका ओन परसेप्शन एंड फ्लुएंसी इंप्रूव करने के लिए आपको अपनी स्पीच, आपको अपनी स्टोरी एवरी डे लिखनी है. एंड विथ टाइम अब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यू कैन नॉट क्लियर स्क्रीन इन. आप कोचिंग ले लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, नो बडी कैन हेल्प यू आउट. मेक श्योर एंड मार्क माई वर्ड्स, ये एक्चुअल मैं आपको फीडबैक बता रही हूँ. जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, आप पीपीडीटी एंड स्टेज वन अपना क्लियर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन ये नहीं कहता कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है. यूजुअली जो प्रेफर्ड लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, बट ये भी क्वेश्चन आते हैं कैंडिडेट से कि हम हिंदी में बोल सकते हैं कि नहीं. तो अगर आपका बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, तो डेफिनेटली आप हिंदी में भी बोल सकते हैं. या इंग्लिश में बोलते बोलते अगर आप कहीं फंस गए हैं और आपको कोई वर्ड नहीं आ रहा, तो उस वर्ड को आप हिंदी में बोल के दोबारा से आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए. ठीक है, गुड नरेशन इज बेसिकली जिसमें आपका बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव होना चाहिए. तो बैक आपकी स्ट्रेट हो, पॉस्चर्स आपके गुड हो, हैंड मूवमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए. एंड जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए हैं, जब भी आप बोलें तो आपका फेस स्माइलिंग होना चाहिए, आप आई कॉन्टैक्ट कर रहे हैं अपने ग्रुप पीपल के साथ, एंड आपका बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पॉस्चर जो है करेक्ट है. मेक श्योर आपका आई कॉन्टैक्ट या आपका जो थॉट प्रोसेस है, एक्सप्लेनेशन है, वो आपके एसेसर्स की तरफ नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो पहले आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको विद इन द ग्रुप डिस्कशन करना होता है. दिस मीन्स कि जब आप स्टोरी बोल रहे होते हैं, तो आपको अपनी एसेसर्स की तरफ नहीं देखना होता है. ठीक है, तो ये मैंने आपको डिटेल बता दिया गुड स्टोरी ग्रुप डिस्कशन के, पीपीडीटी के, ओआईआर, ओएलक्यू टेस्ट के, सिलेबस, अप्रोच, स्ट्रैटेजी, मेथोडोलॉजी, नेगेटिविटी स्ट्रैटेजी, सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया. अब आप कहेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करें. ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप ये सब कुछ फॉलो करेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, विथ मोर देन 100+ कैंडिडेट्स जिनके रिकमेंडेशंस हुए हैं, एंड रिसेंटली मैं आपको बताऊं, इस 107+ में मोर देन 5+ कैंडिडेट्स जो है हमारे इंडियन नेवल को, उन्होंने मार्च के मंथ में अभी 25 मार्च को ज्वाइन करा है, उनके कॉलअप्स आए हैं. सो विथ ऑल दिस एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली अपना स्टेज वन जो है वो क्लियर करके जाएंगे. सो बींग अ रिकमेंडेड कैंडिडेट, प्लस इतने सारे मेरे बच्चे रिकमेंड हुए हैं, एंड इसमें ऑल्सो द प्राउड मोमेंट इज दैट दिस इज माई ब्रदर हु रिसेंटली गॉट रिकमेंडेड एंड ही हैज ज्वाइन इंडियन नेवल अकेडमी. सो आई एम टेलिंग यू द एग्जैक्ट थिंग जो फेस करते हैं कैंडिडेट्स, जो वो एक्सपीरियंस करते हैं, फिर जो अपना वो फीडबैक शेयर करते हैं. तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, एंड ऑल दिस थिंग्स हैज हेल्प्ड अस आउट. जब आप मार्केट्स में बुक लेते हैं, तो एक ही बुक में बेसिकली आपको सारी चीजें बताई जाती है, और वो बुक्स एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉलो करते हैं, वही प्री कंसीव स्टोरीज होती है जो मैंने आपको बताया. यहाँ पे प्री कंसीव स्टोरीज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक सैम्पल देने की कोशिश की गई है, और उसके बाद आपके ओन थॉट्स एंड प्रोसेसेस को निकाला गया है. कैसे निकाला गया है एंड हाउ डू वी वर्क इज, हम आपकी स्टोरीज को इंडिविजुअल चेक करते हैं. ठीक है, हम आपकी स्टोरीज को बेसिकली और पॉलिश करते हैं, उस लेवल तक लेके आते हैं, आपके अपनी पर्सनालिटी को बेसिकली सुपर इम्पोज होने से बचाते हैं, जो यूजुअली मैक्सिमम कैंडिडेट्स करके जाते हैं. एंड यही एक मेजर रीजन है कि वाई मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर नॉट एबल टू गेट स्क्रीन इन, क्योंकि उनके अपने थॉट्स होते ही नहीं हैं. तो अपने थॉट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, अपने थॉट्स में मिस्टेक्स जरूर होती है, तो उन मिस्टेक्स को हम वेरीफाई करते हैं, हम हेल्प करते हैं आपको कि किस तरह से आपकी स्टोरी, आपका पिक्चर आपकी पर्सनैलिटी के साथ जाता है, एंड आप एक बेटर स्टोरी लिख के आ सकते हैं. तो ये करेक्शन इस साइकोलॉजी में, चाहे आप साइकोलॉजी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे SSB स्टेज वन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, थ्रू आउट हर टेस्ट के लिए मैं आपके साथ हूँ, और मैं आपको गाइड एंड वेरीफाई करती रहती हूँ. तो करना क्या है, घर बैठ के आराम से, किसी कोचिंग की नहीं जरूरत है, किसी एक्स्ट्रा बुक की नहीं जरूरत है, घर बैठ के आराम से जब भी आप SSB के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे वो आपकी स्टेज वन टेस्टिंग हो, स्टेज टू टेस्टिंग हो. ये कंप्लीट कोर्स पैकेज है SSB का, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स में
मिलेंगे. दीज आर बेसिकली रिकॉर्डेड लेक्चर्स पहले, जो आपको सारी डिटेल्स देंगे. फिर आपको बुक्स मिलेंगी जिसमें और आपको फिर पिक्चर्स के साथ अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सैम्पल्स दिया है, प्लस प्रैक्टिस टेस्ट दिया गया है. इसके बाद इसमें आपके लाइव क्लासेस भी इंक्लूड होते हैं. इंडिविजुअल लेवल पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, जो कि यूजुअली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे इतने बड़े बड़े बैचेस होते हैं, तो इंडिविजुअल अटेंशन में प्रॉब्लम होती है. प्लस हर कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम सबके सामने शेयर नहीं करना चाहता. डिटेल स्ट्रैटेजी भी है, हर एक चीज़ का मैंने इन डिटेल डे वाइज प्लान बनाया है, एक्सप्लेन करा है, डाउट क्लियरिंग सेशंस है, मेडिकल गाइडेंस है. और जिस तरह से मैंने आपको कंप्लीट सेशन बताया, इसी तरह से आपको हर सेशन जो है वो मिलता रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए. तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा रहेगा. इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट क्रैकर्स का, जो कि ना आपको सिर्फ एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड बल्कि डिफेंस के किसी भी फील्ड में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए ये हेल्प करता है. डाउनलोड कर सकते हैं आप गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर पर भी, और यूट्यूब के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपका लिंक अवेलेबल है. तो आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा. आपको अब काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एंड अब आप अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, अपने आप को जज कर सकते हैं एंड यू कैन जज बेस्ट योरसेल्फ कि और कितने ज़्यादा प्रिपरेशन की आपको ज़रूरत है. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, जय हिंद.